हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करने वाला हूं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम या दूसरे सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले कुछ हेडलाइंस दिखाता हूं। एक कंपनी है जोमाटो, वो 540 एम्प्लॉइज लोग को बाहर कर रही है। एक शहर है नॉर्थ इंडिया का, बहुत बड़ा शहर है, जहां पर ऑटोमोबाइल के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको बोल दिया गया है कि भैया कल से काम में मत आना। कोई एक कंपनी है आईटी की, बहुत बड़ी, नाम है कोग्निजेंट, वो बोल रही है कि भाई अब हम कुछ लोगों को ले ऑफ करने वाले हैं और अपने जो कैंपस हायरिंग प्लान भी है उसको हम डिले करने वाले हैं, यानी हम किसी कैंपस में नहीं जाने वाले हैं। इनडायरेक्टली कंपनी ऐसा बोल रही है। एक ऑटोमोबाइल फॉर्म है अशोक लेलैंड, वो बोल रही है कि अब हम ऑटोमोबाइल नए नहीं बनाने वाले हैं कुछ दिन के लिए, तो इस समय हमको वर्कर्स की या काम करने वालों की जरूरत नहीं है। तो ये जो हेडलाइंस थी, कुछ समय पहले तक 3-4 महीने में एक ऐसी हेडलाइंस आती थी, लेकिन आजकल हर दिन ऐसी 3-4 हेडलाइंस आ रही है। तो इसीलिए क्यों जरूरी होता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट किया है आपका। आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिंपली लिखा होता है कि आप जॉब हमारे साथ ही करेंगे, आप अपना समय देंगे, हम आपको पैसे देंगे, सैलरी के माध्यम से हम आपको पैसे देंगे, लेकिन इस जॉब करते समय आप कोई दूसरी इनकम या दूसरी तरीके से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो आपके हाथ बंद, पूरे हाथ आपके बंद गए हैं। तो जब आपका हाथ बंध गया है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है। लेकिन कल अगर कंपनी की हालत खराब हो जाए तो कंपनी वो सब नहीं सुनेगी, कंपनी आपको बोल देगी कि भैया अब आप निकल लीजिए। तो आपके पास समय है लेकिन पैसे नहीं है, और दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की आपके पास तैयारी नहीं है, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते थे तैयारी, क्योंकि कंपनी ने बोल के रखा था कि भाई रूल में रहना है आप लोगों को। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यूएस के लोगों ने ये चीज को समझा है, जो शायद इंडिया के लोग अभी समझ रहे हैं या अभी भी बहुत लोग नहीं जो समझ पाए हैं कि ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, आपको दूसरी इनकम चाहिए ही। अभी यूएस के लोगों ने 2008 में जब उनकी बहुत नौकरियां गई थी क्योंकि डिप्रेशन हुआ था, जब वहां पर बहुत बड़ा रिसेशन आया था लेमन ब्रदर्स के गिरने के बाद, तो उन लोगों ने वैसा सोचा था, और फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने एक फायर मूवमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरमेंट अर्ली का एक मूवमेंट चालू किया कि भाई हमको आप पर नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना है, हमको अपना संभालना है। इसीलिए वो लोग पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए हमारे लिए भी जरूरी है। तो मैं कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम पर कुछ ब्लॉग्स भी हैं और मैंने कुछ वीडियोज भी डाले हुए हैं। जैसे अंबानी साहब की हम सैलरी बोलते हैं 15 करोड़ है, लेकिन आपको पता है लगभग 1400 करोड़ तो वो डिविडेंड से ही सिर्फ कमाते हैं। तो बहुत बड़ी इनकम होती है डिविडेंड इनकम लॉन्ग टर्म के लिए, मैं लिंक में आपको शेयर करूंगा। कंसल्टिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब में रहते नहीं, छुप के करना पड़ेगा कि आपके पास कोई एक स्किल है और वो सामने वाले को आपने कंसल्ट किया, तो कंसल्टिंग स्किल्स यूट्यूब या ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कोई भी खाली समय हो, अपनी जो भी आपकी हॉबी है उस पर वीडियोस बनाइए या फिर लिखिए, हाँ, या फिर कंटेंट क्रिएशन कीजिए, कुछ लोगों को अपने बारे में बताइए, हाँ, धीरे धीरे करके ये भी एक छोटी मोटी इनकम का सोर्स बन सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे मैंने ही अभी एक गूगल का एक फ्री कोर्स किया हुआ है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अभी बहुत लोग कर रहे हैं। जॉब रेफरल कोई भी कंपनी, आपकी कंपनी में किसी को रेफर कीजिए, बहुत बड़ी इनकम नहीं मिलेगी, एक पॉकेट इनकम जैसे मिलेगी, सस्टेनेबल वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। रियल इस्टेट में एक चीज ध्यान रखिए कि भले ही आपको इनकम आती रहे लेकिन आपको ईएमआई का भी ध्यान देना है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, आप भी सोचिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या क्या नए आइडियाज और हो सकते हैं जहां से हम अल्टरनेट इनकम के बारे में या अल्टरनेट इनकम कमा सकते हैं। जैसे जैसे नए आइडियाज मेरे को आते रहेंगे और मैं कमाता रहूंगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।